प्रभारी बनाए गए बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई आज नागौर के दौरे पर है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी योग्य लोगों को ही टिकट देगी और जीताओं के ही नाम भेजे जाएंगे। नागौर पहुंचे कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि राजस्थान से उनका पुराना नाता है, पार्टी ने उन्हें अब विधानसभा का सह प्रभारी बनाकर के भेजा है, लेकिन ये प्रदेश उनके लिए नया नहीं है। कुलदीप बिश्नोई का नागौर में जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के नेताओं और बिश्नोई समाज से जुड़े लोग इस दौरान मौजूद रहे। मेरे अधिक कुछ आपका आधा प्रश्न मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और आधा भारतीय जनता पार्टी किसी को भी दरकिनार नहीं करती। हर का अपना अपना एक वजूद होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे आपने सह प्रभारी यहाँ बना के भेजा, हमारा बिश्नोई बहुल्य 33 से लेकर 37 विधानसभा बिश्नोई बहुल्य है। ऐसे वसुंधरा जी का भी बड़ा नाम है, गजेंद्र सिंह जी का भी नाम है, मेघवाल साहब का भी नाम है, सीपी जोशी जी, सभी के अपने अपने रुतबा है और उनके रुतबे के हिसाब से सबको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, आगे भी दी जाएगी। लेकिन जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने एग्रेसिवली इसके लिए प्रचार शुरू किया है, तो ये प्रचार की उनकी शुरुआत थी और हमने उनका स्वागत किया। शहर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भाजपा से जुड़े हुए लोग यहाँ आए और कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में कुछ और जुड़े। कुलदीप जी की वजह से हमारे समाज के जाट विष्णु हर समाज के 36 गांव के लोग उनके साथ जुड़े। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, रोडवेज कर्मचारियों पर रेशमा लागू हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, 6 महीने के लिए रेशमा लग सकता है, इस दौरान भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। 5 सितंबर को इस तरह के संकेत मिले थे कि रोडवेज कर्मी हड़ताल पर जा सकते हैं, इसे देखते हुए रेशमा लागू किया जा सकता है। रेशमा लागू होने के बाद 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। अगर कोई इसके बावजूद भी जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हड़ताल रोकने के लिए रेशमा लागू किया जा सकता है। 5 सितंबर को रोडवेज कर्मी हड़ताल पर जा सकते हैं और इसे रोकने के लिए सरकार रोडवेज कर्मियों पर रेशमा लागू कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 6 महीने तक के लिए रेशमा लागू किया जा सकता है। इस कानून के तहत कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता और उसे काम करना होगा ड्यूटी पर रह करके। तो वहीं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए जन आधार कार्ड में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में आलम ऐसा है कि इंसानों की फोटो की जगह जानवरों और फूल पत्तों तक के नाम लिख दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से फर्जी तरीके से पेंशन पाने के लिए पीपीओ नंबर तक जन आधार कार्ड में जोड़ दिए गए हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ है जब एक कार्ड धारक फसल मुआवजे को लेकर दस्तावेज को लेकर ग्राम विकास अधिकारी के पास पहुंचा। दरअसल जन आधार कार्ड में फर्जीवाड़े का मामला झुंझुनू की अलसीसर पंचायत समिति के गांव आनंदपुरा से जुड़ा हुआ है। आनंदपुरा निवासी सुरेंद्र ने अपनी पत्नी कल्पना के नाम से जन आधार कार्ड बनाया था। 2017 में बनाए गए इस जन आधार कार्ड में पति पत्नी के अलावा बेटे बेटी का नाम भी जुड़ा हुआ है। कल्पना के कार्ड में फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब कल्पना अपने जन आधार कार्ड से फसल मुआवजे के लिए ग्राम सेवक के पास गई और ग्राम सेवक ने जब जन आधार कार्ड की डिटेल खंगाली तो उनके होश उड़ गए। इस जन आधार कार्ड में 16 और नाम जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, जिन लोगों के नाम फर्जी तरीके से जोड़े गए थे उनमें जानवरों तक के नाम भी है। जानवरों के नाम भालू और कई नाम गांव के नाम जैसे खतेपुरा व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। सर ये है कि हमारा जन आधार कार्ड के अंदर है पूरा, हम लोग 4 सदस्य है, इसके अलावा और नाम जोड़ दिए गए हैं। उसके अंदर जानवर का फोटो लगा लगा के और उसके अंदर अलग अलग नाम लिखे हमारे परिवार का नाम के अंदर यूज कर करके उस पर पूरा डाल के रखा हुआ है। तो हमें इसका ये शिकायत है, SDM के पास भी किया हुआ है मिलसी सर ये। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां पर अस्पताल में मौत को लेकर क्या हंगामा हो गया है। इलाज के दौरान एक नाबालिग की मौत हो गई, परिजनों ने शव लेने से अब इनकार कर दिया। चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। परिजनों ने धरना देकर के जोरदार हंगामा अस्पताल के बाहर कर दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पुलिस प्रशासन मौके पर है, समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन बात अभी तक नहीं बनी है। दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अस्पताल में नाबालिग की मौत पर जमकर हंगामा हुआ है।